बाबू कुंवर सिंह जी का जो व्यक्तित्व था, जो कृतित्व था, उसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक बच्चा जाने। भोजपुर के तो गांव-गांव में हम लोग कविता के माध्यम से, भोजपुरी इलाके में गानों के माध्यम से हर व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह जी के कृतित्व को जानता है। 23 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। कल वह 10:30 बजे पटना आएंगे और पटना से सीधे हेलीकॉप्टर से, एयरपोर्ट से ही वह जगदीशपुर के दुलौर ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जाएंगे। वहां से वह कुंवर सिंह जी के किले पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने वहां जाने का कार्यक्रम है और उसके पश्चात दुलौर में एक अभूतपूर्व सभा को, जिसमें शाहबाद क्षेत्र के, हमारे मगध क्षेत्र के पूरी जनता की उपस्थिति रहेगी और राष्ट्रीय ध्वज से सरोवर यह कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में बिहार में आजादी के प्रथम संग्राम 1857 की लड़ाई के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी 23 अप्रैल को ही वापस जगदीशपुर के अपने किले में लौटे थे और इसलिए उस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए उनके 164वें वर्ष के उनके लौटने को ऐतिहासिक बनाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी सभा को संबोधित करेंगे। वहां पे हम राष्ट्रीय ध्वज गृह मंत्री जी फहराएंगे भी और उनके साथ ही अपार जन समूह भी राष्ट्रीय ध्वज से बाबू कुंवर सिंह जी का अभिनंदन करेगा। उसके पश्चात वह नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम जाएंगे, जहां पर कॉन्वोकेशन है मेडिकल कॉलेज का, और फिर वहां से गया जाकर के दिल्ली चले जाएंगे। इस उनके पूरे कल के एक दिवसीय प्रवास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, वह जो भारत का झंडे का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 39.2 इंच, वो उस झंडे को 75,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय ध्वज के बाद पर आएंगे और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इस तरह की अभूतपूर्व घटना भारत में कभी नहीं घटी है और जितने लोग फहराने जा रहे हैं वैसी घटना विश्व में नहीं घटी है। बाबू कुंवर सिंह जी का जो व्यक्तित्व था, जो कृतित्व था, उसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक बच्चा जाने। भोजपुर के तो गांव-गांव में हम लोग कविता के माध्यम से, भोजपुरी इलाके में गानों के माध्यम से हर व्यक्ति हमारी तक जाने कि इस देश में कोई एक ऐसा भी राजा था जो अंग्रेजों को हरा करके गद्दी पर बैठने के बाद ही अपने शरीर का त्याग किया। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए मैं शाहबाद की जनता और मगध की जनता का खास कर आभारी हूँ, जो इतना अधिक उत्साह से वो लोग वहां पहुंच रहे हैं कि हमने सबसे बड़ा पंडाल बनाया है, पर मुझे लगता है कि वह भी कल छोटा पड़ने जा रहा है। अगर आप लोग स्वतंत्रता पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप अगर स्वतंत्रता सेनानियों को जातिगत भावना से सोचेंगे तो यह आप लोगों के लिए भी शर्म की बात है, और अगर कोई किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में उनकी जाति से जोड़ने का भी काम करता है तो यह बहुत ही घृणित और कुत्सित प्रयास है। बाबू कुंवर सिंह जी ने समाज के सभी लोगों को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, समरसता के वो उदाहरण थे, और अगर जो बाबू कुंवर सिंह जी ने जो काम किया था वो अगर पानीपत की लड़ाई में भी हुआ होता तो शायद हम पानीपत की लड़ाई नहीं हारे होते और इस देश का इतिहास बिल्कुल अलग अलग उठा होता। उनको उनको सभी को अपराधियों को सजा मिल चुकी है, सब जेल में है। माननीय हम लोगों ने कार्यक्रम यह तय किया है। यह डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट।
इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।